देख लो मेरा टोपी गिर गया नीचे, ये कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि लगभग 3 महीने होने को आया है और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन इस मंथ लगातार वीडियो अपलोड होना है और नेक्स्ट मंथ भी वीडियो अपलोड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग करने की। फ़िलहाल आप इस वीडियो को लाइक करो और बेस्ट पार्ट जो भी है कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। SPCA के मेन एंट्री पे ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी। पहले 20 रुपये इसका चार्ज था, लेकिन अब 30 रुपये लगता है। उसके बाद आप अंदर जाके स्टेडियम देख सकते हो। ये हम लोग मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं उमकिन सडलिया और मेरे साथ है कन्हैया कुमार। भाई है कन्हैया कुमार। और अब लोग अभी सुबह निकले थे पंजाब से और अभी हिमाचल पहुँचे। कितने बजे? 4 बजे, जहाँ पे आना था। और मेरे सामने अभी है दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक है, हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला वाला, जो कि काफ़ी हाइट पे है। वर्ल्ड का हाईएस्ट भी माना जाता है इसको, है ही हाईएस्ट माना गया जाता है। और इसकी खूबसूरती जो है देखने से बनती है। अभी हम लोग आए हैं देखने के लिए ही, बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको। कन्हैया कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, फर्स्ट टाइम आया। मतलब छुट्टी लेके आना सफल हो गया तुम्हारा? हाँ, लग रहा है सफल हो गया, फर्स्ट टाइम आए स्टेडियम में। तुम बताओ कैसा लग रहा है? आज ये हमारे पीछे घुस जा रहे थे लोग। अभी हम लोग मेन गेट से अंदर की ओर जा रहे हैं। हेलो भाई। हेलो भाई। अभी यह मैच भी होने वाला ना, इंडिया और श्रीलंका का शायद। हाँ, इंडिया और श्रीलंका का अपनी ये फरवरी मार्च में शायद, कंफर्म नहीं बता सकते। HPCA का ये स्टेडियम और ये गेट नंबर 6। कन्हैया कैसा फील हो रहा है यार? तुम इंडियन ऑयल से छुट्टी लेके आ कैसे गया यार? छुट्टी लेके प्लानिंग करके आना बहुत डिफिकल्ट होता है। छुट्टी तो मिल जाता है, बट प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, घूमने के लिए ना, घूमने के लिए तो टाइम मिल ही जाता है, और ऐसे खूबसूरत जगहों पे आने के लिए तो ड्रीम ही होता है, तो फिर आना ही चाहिए। मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला बात। हाँ, अभी ग्राउंड का काम चल रहा है। इसको फिर से बनाया जा रहा है अभी। हाँ, वैसे भी अच्छा व्यू है भाई। हाँ, धौलाधर रेंज के नीचे है, मतलब बीच में है ये स्टेडियम। हाँ, और फिर से इसको ना बनाया जा रहा है, भी मैच होने वाला है यहाँ पे, इस वजह से मेंटेनेंस में। हाँ, हम लोगों ने एक गलती किया कि हम लोग शाम में स्टेडियम आए। शाम में ऐसा होता है ना कि पीछे जो वादियाँ आप लोग को दिख रहा है उसका क्लियर व्यू नहीं दिखता है, लेकिन अब जब दिन में आओगे ना, एकदम दोपहर में सनलाइट में, तो ये व्यू देखने को बनता है। अभी मार्च में यहाँ पे मैच होने वाला है, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो शायद टाइम मिले तो मैं जा सकूँ फिर से देखने के लिए। और फोटो क्लिक करवाते करवाते मेरा टोपी जो है नीचे गिर गया था। और यहाँ पे ना वैसा सीन नहीं है कि आप पास में लेके चले जाओ, एक वो बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जो वर्कर हैं उनको बोला कि आप प्लीज़ टोपी निकाल के दे दो मुझे। तो ये भैया जा रहे हैं नीचे,
और सभी स्टेडियम में क्या होता है ना कि आप खुद से वो मतलब पास ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ना ऊंचाई पे है और नीचे पानी का वो बना हुआ है। मतलब थैंक यू भाई, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया, ये बोले ठीक है, उसके बाद मैंने इनको थैंक यू बोला। अब हम लोग वापस प्रस्थान कर रहे हैं, किधर? मैक्लियोडगंज की ओर। मैक्लियोडगंज की अभी जाना है, वो स्नो लाइन के उस पार धौलाघर रेंज में। इधर जाने लग पड़े थे। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोग फोटोज इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब।